नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। T20 क्रिकेट नए जमाने का क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट के दर्शक घटे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट की जान टेस्ट क्रिकेट में ही बसती है। मगर यहाँ बात किसी टेस्ट मैच की नहीं है, एक टेस्ट क्रिकेटर की है। बात फिलहाल इंडिया की टेस्ट टीम की जान चेतेश्वर पुजारा की। दरअसल अपने स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना झेलने वाले पुजारा ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है। कहा है कि टीम मैनेजमेंट उनकी बल्लेबाजी शैली से खुश है और उनके खेल के स्टाइल की ज़रूरत को समझता है। बीते हफ्ते रणजी ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र की टीम की जीत हुई, लेकिन 237 गेंदों पर 66 रनों के पुजारा की पारी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई, जबकि पुजारा ने वो पारी बुखार और इन्फेक्शन से लौटकर खेली थी, जिसकी मदद से उनकी टीम को खिताबी मुकाबले में जीत भी मिली। पुजारा ने न्यूज़ एजेंसी PTI से खास बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता टीम के अंदर इस पर बहुत बातें होती होंगी, मीडिया में इस पर अलग तरह से चर्चा होती है, लेकिन टीम मैनेजमेंट मेरा सपोर्ट करता है। कप्तान, कोच या किसी अन्य प्लेयर की तरफ से मुझ पर कोई भी दबाव नहीं है। रणजी के दौरान खुद की आलोचना पर पुजारा ने कहा, सोशल मीडिया पर मुझसे पूछा गया कि रन बनाने के लिए मैं इतना समय क्यों ले रहा हूँ, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, हर बार मेरी कोशिश बस यही रहती है कि टीम जीते। अपने स्ट्राइक रेट पर पुजारा ने कहा, मैं ये बात साफ कर दूं कि जब भी बात मेरे स्ट्राइक रेट की आती है तो लोग पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन टीम के सभी लोग मेरे खेल के तरीके और उसकी ज़रूरत को पहचानते हैं, इसलिए मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। इसके साथ ही पुजारा ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि वो डेविड वार्नर और वीरेन सहवाग जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अगर एक नॉर्मल बैट्समैन क्रीज पर समय लेता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। न्यूजीलैंड सीरीज में हार पर भी पुजारा बोले, कहा, लोग मुझसे बड़ी पारियों की उम्मीद करते हैं, मैं हमेशा खुद भी शतक लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर किसी बल्लेबाज का औसत 50 के करीब है, इसका मतलब है कि वो हर दूसरी पारी में एक अर्धशतक बना रहा है। मैंने हमेशा अपने लिए ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जैसा मेरा पिछला सीजन गया वो पूरी तरह से ख़राब नहीं है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं हूँ। कोरोना के खतरे ने पूरी दुनिया की रफ्तार कम कर दी है, ऐसे में पुजारा के सामने भी अभी कोई नया असाइनमेंट नहीं है। अब उनके लिए अगला बड़ा चैलेंज ऑस्ट्रेलिया का टूर है। इस सीरीज़ को लेकर पुजारा ने कहा, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीरीज़ है, स्मिथ और वॉर्नर उनके लिए ज़रूरी खिलाड़ी हैं, लेकिन हमने जिस तरह से आखिरी सीरीज़ में खेल दिखाया, अगर वैसा ही खेलते रहे तो हमें उन्हें हराने में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। खासकर ऑस्ट्रेलिया में तेज़ गेंदबाजों का महत्व भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पुजारा ने कहा, तेज़ गेंदबाजों को उस सीरीज़ के लिए खुद को तरोताज़ा और तैयार रखना होगा। मुझे विश्वास है कि वो अपने वर्कलोड को मैनेज करके चलेंगे। इस दौरे को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि हमने हाल ही में वहाँ सीरीज़ खेली है, ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। आपका पुजारा के स्ट्राइक रेट पर जवाब पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।